स्किल टीचर देख रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इंडिया में जियो के लॉन्च होने के बाद यूट्यूब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसी के साथ यूट्यूब पर क्रिएटर्स की गिनती भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो अगर आप भी एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत जल्दी एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर चैनल शुरू करने से लेकर उसकी प्रॉपर एडिटिंग करने तक मैंने अपने चैनल पर अभी तक 30 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं। तो मैं उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा और आप एक अच्छा चैनल बना सकते हैं अपने लिए। साथ में मैंने आपको ग्रो करने के भी कुछ टिप्स दिए हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बताते हैं आपको कि वो कौन सी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है एक चैनल शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि कभी भी जल्दबाजी में शुरुआत ना करें। जब भी कोई व्यक्ति नया नया यूट्यूब पर आता है, कुछ एक वीडियोस देखता है तो उसे पता चलता है कि यूट्यूब पर चैनल बनाकर उस पर वीडियोस अपलोड करने के बाद हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि हम यूट्यूब चैनल की मदद से पैसा भी कमा सकते हैं तो ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में चैनल शुरू कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर मन के अंदर पैसा कमाने का लालच आ जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी जल्दबाजी में शुरुआत ना कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर चैनल की बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि कुकिंग है, एजुकेशन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है टेक कैटेगरी। तो आप सबसे पहले देखिए कि आप किस फील्ड के अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, किस फील्ड के अंदर आप ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं, तो आप उस फील्ड को ध्यान में रखते हुए एक चैनल शुरू करने के बारे में सोचिए। उसके बाद दोस्तों आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कि कैमरे के सामने बैठकर अपनी बात को बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो कि वॉइस ओवर करते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ। यानी कि मैं एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ और उसी के साथ मैं बोलकर आपको बता भी रहा हूँ। तो दो तरीके होते हैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने के, या तो आप सीधा सीधा कैमरे को फेस करिए या फिर आप किसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। तो इसके लिए आपको एनिमेशन सॉफ्टवेयर की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि वीडियो स्क्राइब, टेलागामी या फिर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अपनी बात दूसरे लोगों तक आसान तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने नेक्स्ट बात जो ध्यान में रखनी है, अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आप कैमरे के सामने खुद बैठेंगे और खुद अपनी बात कैमरे पर आकर कहेंगे, तो आप सबसे पहले कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कीजिए कैमरे को फेस करने की। कोशिश कीजिए कि आपकी जो ऑडियो हो उसके अंदर एक जैसा ही फ्लो होना चाहिए वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो की एडिटिंग अच्छे तरीके से सीखें। इसके लिए आप कम से कम 10 या 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनके बारे में अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ और जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आप वीडियो को अपलोड करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीडियो जो किस टॉपिक पर बेस्ड है, आपने उसका टाइटल कैसा रखना है, आपने टैग कौन से लगाने हैं, आपने कार्ड कैसा लगाना है, आपने एंड स्क्रीन कैसे लगानी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने थंबनेल कैसा बनाना है। इसके अलावा दोस्तों, आपने जो मेन बात ध्यान में रखनी है कि आप अपने कंटेंट पर फोकस कीजिए। ये बिल्कुल मत देखिएगा कि आपके चैनल पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं रोज के रोज। दोस्तों, भले ही ये चैनल के एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, आपके सब्सक्राइबर और आपके वीडियो पर व्यूज एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, लेकिन फिर भी आपने आपका जो मेन फोकस होना चाहिए आपके अपने कंटेंट पर होना चाहिए। इसी बात पर ध्यान दीजिए कि आपने जो आज वीडियो अपलोड की है उसके बाद आपने क्या अपलोड करना है, आगे इस फील्ड में कैसे आपने ग्रो करना है। तो ये तो थे थोड़े से टिप्स जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।